वेलकम स्टूडेंट्स टू योर ऑनलाइन क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश रीड चैप्टर नंबर 8 द जजमेंट यानी निर्णय. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हुज नेम वॉज विजय. एक बार का समय है, एक व्यक्ति था जिसका नाम क्या था, विजय. ही वॉज वुड कटर, वह एक लकड़हारा था. ही ऑल्सो हैड अ डंकी, उसके पास एक गधा भी था. ही यूज टू ब्रिंग वुड फ्रॉम फॉरेस्ट लोडेड ऑन द डंकी, वह क्या करता था, जंगल से लकड़ियाँ लाता था अपने गधे पे लाद कर. एंड इट सेल इन द मार्केट फॉर हिज लाइवलीहुड, अपने जीवन यापन करने के लिए उसी लकड़ियों को वो बाजार में बेचता था. वन डे या बार बार नेम ढोला कॉल्ड हिम, एक दिन एक जो बाल काटने वाला होता है नाई, उसने भोला को बुलाया. आर यू सेलिंग वुड, आज भोला, उसने बोला क्या तुम लकड़ियाँ बेच रहे हो. भोला ऑफ कोर्स आई डू, सेड विजय. विजय क्या बोलता है, हाँ मैं लकड़ियाँ बेच रहा हूँ. व्हाट वुड यू टेक फॉर ऑल वुड ऑन द बैक ऑफ योर डंकी, आज भोला. भोला पूछता है उससे कि जितनी भी तुम्हारे गधे के ऊपर लदी हुई लकड़ियाँ हैं उसका तुम क्या दाम लोगे. तो वो क्या बोलता, 40 रुपीज़, 40 रुपये. ऑल राइट, भोला टुक ऑल द विड, बस वो बोलता सर ठीक है और पूरी लकड़ियाँ उतारता. पेइंग हिम मनी डिमांडेड, गिव मी द सैडल टू, इट इज़ मे ऑल्सो मेड ऑफ वुड. वो क्या बोलता है, जो गधे की पीठ पर घोड़े की जीन लदी हुई है वह भी लकड़ी की है तो वह भी मुझे दो. इट इज़ नॉट इन द डील, रिप्लाइड विजय. भोला फोर्सिबली टुक द सैडल, वह क्या बोलता है, ये डील में नहीं था, जवाब देता है विजय. और भोला क्या करता है, ताकत से उसे खींच लेता है अपनी तरफ सैडल को. विजय वेंट टू द सिटी जज फॉर द सेटलमेंट एंड नैरेटेड हिम द होल स्टोरी. हाउएवर द जज डिड नॉट एग्री. विजय जो सिटी के जज रहते हैं उनके पास सेटलमेंट के लिए जाता है और पूरी कहानी बताता है. आफ्टर अ वीक विजय वेंट टू द शॉप ऑफ भोला. भोला आज डिड यू कम फॉर योर सैडल. कुछ एक हफ्ते बाद, कुछ समय बाद विजय उस शॉप में जाता है, नाई की दुकान में और भोला की दुकान में, और बोलता है क्या, तो भोला उसे देखकर क्या बोलता है कि क्या तुम अपनी सैडल वापस लेने आए हो. तो वो क्या जवाब देता है, नो आई हैव कम फॉर अ हेयर कट. वो क्या बोलता है कि नहीं मैं बाल कटवाने आया हूँ. आई हैव अ कंपेनियन विद मी, माई कंपेनियन वुड जस्ट कम आफ्टर सम टाइम. वो क्या बोला, मेरा एक साथी भी है लेकिन वो कुछ समय बाद आएगा, उसे भी बाल कटवाना है. भोला एग्रीड एंड आस्क फॉर 10 रुपीज़. आफ्टर ही फिनिश्ड विद विजय हेयर कट, भोला आज विजय टू ब्रिंग हिज कंपेनियन. भोला बोलता है कि ठीक है कुछ, और जब वह उसका हेयर कट ख़त्म कर देता है, उसका बाल काट देता है, तो बोलता ठीक है अब अपने कंपेनियन को आप बुला लो, साथी को. विजय ब्रॉट हिज डंकी इनटू द शॉप. विजय जो है वो अपने गधे को दुकान में बुलाता. ही कैन नॉट बी योर कंपेनियन, रिटॉर्टेड भोला. भोला क्या बोलता है, ये तुम्हारा साथी कैसे हो सकता है. बट यू एग्रीड टू गिव माई कंपेनियन अ हेयर कट, लेकिन तुम्हें मेरे साथी को हेयर कट देना ही पड़ेगा, बाल काटने ही पड़ेंगे, विजय बोलता है. भोला टुक हिम टू द सिटी जज कोर्ट. भोला क्या करता है, उसे जज के पास ले जाता है. आफ्टर लिसनिंग टू बोथ ऑफ देम, दोनों की बात सुनने के बाद राजा जज जो है वो बोलता है, इफ़ अ सैडल कैन बी अ पार्ट ऑफ विड, अगर वो कहता है कि अगर जो घोड़े की जीन है वह अगर लकड़ियों का भाग हो सकता तो मुझसे ले सकते हो, तो अ डंकी कैन बी अ कंपेनियन ऑफ मैन एज वेल, तो एक गधा भी मनुष्य का साथी हो सकता है. दस भोला हैड टू गिव द डंकी अ हेयर कट इन द कोर्ट इन द फ्रंट ऑफ ऑल द कोर्टियर्स. तो इस वजह से ये जज ने फैसला सुनाया, उसने जजमेंट दिया, निर्णय लिया, तो उसे भोला को क्या करना पड़ा, गधे के बाल काटने पड़े सभी वहाँ पे कोर्ट के सामने, सभी दरबारियों के सामने. ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर फिनिश होता है, इसे आप अपने घर में एक बार और अच्छे से पढ़िएगा.